सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपनी मांगों को लेकर लगातार गेस्ट टीचर्स धरने में बैठे हुए हैं। सिसोदिया हाउस से लेकर के अब धरना एलजी हाउस पर चल रहा है। आपको बता दें, आज मनोज तिवारी जी ने ट्वीट करके लिखा था कि एलजी से पास कराएंगे आपकी पॉलिसी, कल उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा, हम इंतज़ार कर रहे हैं सभी गेस्ट टीचर यहां पे, कब मनोज तिवारी जी आएं, एलजी साहब से मिलवाएं और इस पॉलिसी को पास कराएं। अब देखना ये है कि क्या मनोज तिवारी जी गेस्ट टीचर्स के साथ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंकिंग ही इनका मकसद है, या ये सच में गेस्ट टीचर्स का भला चाहते हैं। क्योंकि जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां वहां गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी पे साइन मोहर लग चुकी है। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है इसलिए बीजेपी शायद राजनीति कर रही है अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में। अगर आज तिवारी जी गेस्ट टीचर्स के बीच में आ जाते हैं तो हमें यही लगेगा कि तिवारी जी गेस्ट टीचर्स के हितैषी हैं, बीजेपी गेस्ट टीचर की हितैषी हैं, बस इसी इंतज़ार में हैं कब हमारे तिवारी जी आएं और इस धरने को सफल बनाते हुए एलजी साहब से पॉलिसी, जो कि अभी भी मनोज तिवारी जी का इंतज़ार करते हुए गेस्ट टीचर्स एलजी हाउस पर ही रुके हुए हैं, अपने धरने को कंटिन्यू रखते हुए बस एक ही नारा, वी वांट पॉलिसी, और इस पॉलिसी पे अंतिम हस्ताक्षर हमारे एलजी साहब के, जो कि बीजेपी के अंडर में हैं।